أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज 9 मई है 2013. परसों इंशाल्लाह इलेक्शन है और जो परसों गुज़र गया इलामा इकबाल इमरान खान जो है वो लिफ्ट से गिर गए थे. And he spoke from ICU. And we know the rest of the story in Pakistan. Rest of the world is sleeping to it, which is great. That beautiful change. I'm almost 50 years old. I see with my own eyes the thing that I craved all my life. मुझे नहीं पता कि इसमें अल्लाह ताला ने अच्छाई रखी थी या मेरी तरफ से बुराई थी कि मैं 20 साल गुजर गए अमेरिका वो तकरीबन मैं पाकिस्तान से डिसकनेक्टेड रहा. आई हैव दीज ऑल द पास्ट governments and politics of Pakistan to blame. I was so allergic to it. I could not stand the media also. घर में यहाँ पर चैनल्स आते हैं पाकिस्तानी. Never got interested in it. Till what, 2-3 days back. And I see that I had completely missed all the changes that the Pakistan went through, and there's a gap in my connection, and I swear main jo cheez dekhta hu ye husn nazar aata hai Pakistan mein, wahi media jiska music mujhe bother karta tha. Kahin pe kisi ghar mein jaau wahan pe chal raha hu aaj mujhe to I appreciate it. I understand Allah ki taraf se fazal hai ki now I have able to see something which is absent from all other media in the world. Jali Ameriki media, jali bakwas, they are running out of life. Pakistani media is real. Real thing. Alhamdulillah. Aur jis bhi cheez se jaise bhi guzrega jitna bhi shor sharaba hua hoga wallah walam ab mujhe nahi pata mere liye acha tha ya bura tha ke management ne tawajjo di ab lekin ab main clearly dekhta hu ki media ne bahut badi contribution jo ki hai wo ye ki hai कि आम इंसान को जो है वो अवेयर हो गया है. मैं एड्स देख रहा था कि तालीम को वोट दें, कितने प्यार से वो हर आदमी को कॉन्सेप्ट बता दिया. अभी देखें फिलहाल करप्शन ये है, टीचर आता नहीं है, प्रिंसिपल जो है अगर ठीक हो तो प्रिंसिपल जो है वो टीचर की छुट्टी करेगा. प्रिंसिपल किसको रिपोर्ट करता है, वो कैसे उस जगह पे पहुंचा है, उसको किसने पहुंचाया, उसको आपने पहुंचाया है वोटर ने. अब इस तरह की सैकड़ों बातें, मतलब पाकिस्तान में हर चीज़ का निज़ाम जैसे खोल के मीडिया ने रख दिया है, जिस तरह से जो भी तरीके से आम आदमी understand now how things are run, but that's a great achievement. Uske baad talent, main Ali Zafar ko main koi bahut zyada follow nahi kiya, abhi ek do gaane jo hain wo acche the wo maine sune, lekin jo hai wo Ali Zafar jo hai usne ad banaya ki aapne vote dalna hai. और वो जो मेरे पास आया तो लिखा हुआ था कि सीरियस मैसेज फ्रॉम अली ज़फ़र, तो मैंने तो खोला वो उसने पहली जो ओपन की वो सीरियस ही थी. आई वाज पेइंग क्लोज अटेंशन एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्वीट एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्री हार्ट. उसको जैसा दिल चाहा उसने वैसा एक्सप्रेस करके जाना, उसने एक
बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा, इट्स ब्यूटिफुल, आई लव इट। वो मेरे एक दोस्त ने कहा, यार आप एक बैंड है नूरी, उसका गाना सुनो भाई, मेरे लोग, कहते वीडियो देखना यार, इट्स एन एंथम बाई गॉड। अब आई ईच पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन उस वीडियो में जो शक्ल आई है, आई विश आई कुड हग दैट पर्सन एंड से जस्ट टू कम्युनिकेट दैट इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट नाउ। ये कितने वैल्यूएबल लोग हैं यार, कितने शदीद वैल्यूएबल लोग हैं वो, कि आप देखें कितना ही एक से एक जिंदगी, खूबसूरत तरीन बच्चे यार। आई एब्सोल्युटली होल्ड एवरी पाकिस्तानी इन माई हार्ट टुडे, इन ऑलमोस्ट अ सीक्रेट प्लेस यार। यू गाइज आर ऑसम, यू गाइज आर ऑसम, इफ यू आर अ गुड हार्ट आई सल्यूट अस नथिंग, आई यू गाइज आर कीप अप द ग्रैंड वर्क, डोंट गिव अप। इमरान खान अगर सीन से निकल भी जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो कुरान में है आयत है। और हज़रत अबू बकर ने वो आयत उस वक्त पढ़ के सुनाई थी लोगों को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे, कि क्या अगर नबी फौत हो जाए या मारा जाए तो क्या तुम लोग अपनी एड़ियों पर घूम जाओगे वापस, रिवर्ट। एंड सहाबा रिपोर्टेड दैट इट वॉज एज इफ वी हर्ड दैट आया फॉर द फर्स्ट टाइम, वी ऑल्सो नो मोर पर्सनैलिटीज, वी आर लकी टू हैव इमरान खान लिविंग मेंटर फॉर अस, दैट्स ऑसम, अल्लाह का फजल है। और जब तक अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह तो बात आगे चलेगी, बट इवन इफ ही इज नॉट देयर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट डू वेल, वी मस्ट कीप आर एंड ऑफ द थिंग अप, वी आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ऑफ आर नॉट ओनली कंट्री द होल ग्लोब इवेंचुअली इंशाल्लाह, वील टेक द ओनरशिप ऑफ इट, वील फिक्स स्टफ, वी विल फिक्स स्टफ। आई कमिट पर्सनली इंशाल्लाह, एंड दिस इज नॉट जस्ट इंशाल्लाह, अगर लोग कह देते हैं इट्स इफ अल्लाह विल्स, दैट मीन्स अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे तो ओनली देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, अदरवाइज आई एम फुली कमिटेड टू इट। इफ रब्बुल आलमीन डिसाइड, इफ इट गोज अदर वे अराउंड, अल्लाह की मर्जी, एज फार एज आई एम कंसर्न आई कमिट दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी द बेस्ट पर्सन, द ग्रेटेस्ट पर्सन दैट आई कैन बी, एंड आई वॉन्ट यू टू डू दैट टू। आई एम We are dying to have be a great people, and wallahi, I swear to God, we are coming up. We are coming up. Muslims, Pakistani, look at this. This is the grandest revolution that I have ever seen. Egypt or Libya and all that. Egypt is a very tick-tock struggle right here. पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है, इंशाल्लाह वील वेक अप टू इट इंशाल्लाह। लेट्स हैव ओनरशिप, लेट्स कंटिन्यू, यू गाइस आर वे अहेड ऑफ मी, मेक दुआ फॉर मी एंड फॉर योर सेल्फ, लेट्स आस्क रब्बुल आलमीन का नाबुद, लेट्स फुलफिल दैट क्लेम, यार हम वी आर इन सर्विस, योर सर्विट्यूड, वी आर सर्वेंट्स, अब्द व इयाका नस्ताईन एंड वी सीक योर गाइडेंस, वट एवर यू से गोज, एंड मे वी अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड द ग्रेटनेस ऑफ दैट। आमीन यार रब, हेल्प अस यार रब, मेक अस
the grandest people that we have always been supposed to. Ya Rab, accept our du'as. Ya Rab, let us be the people of principles who know ourselves, who own this universe. Let's do that, inshallah. Ya Rab, help us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.